चलिए, इस क्लास में सभी विद्यार्थी नरेशन का जो हमारा रूल चल रहा है उस टॉपिक के अंतर्गत टेंस चेंज करने का रूल हम लोग सीख रहे हैं। आज का जो रूल होगा हमारा, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, फ्यूचर में, तो नेक्स्ट रूल आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा नरेशन के टॉपिक में। टेंस चेंज का जो रूल है हमारा रूल, इसमें हम कह रहे हैं आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, फ्यूचर में। अब आपको इस रूल को जानना है, अब कुछ नहीं करना है आपको, रूल आपने लिखा ठीक है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस ठीक है, एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन फ्यूचर ठीक है, इट इज चेंज्ड चेंज इन द पास्ट। अब पास्ट में चेंज होगा कैसे होगा, इसको समझ लीजिएगा। हम क्या करेंगे, विल को वुड में और सेल को किसमें चेंज कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि विल चेंज इनटू वुड एंड सेल इज चेंज इनटू शुड। अभी तक समझ में आ गया। चलिए, अगर कभी भी आपका वुड और शुड दिया है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इस पर ध्यान रखिए। यहीं पर एक रूल हम अदर भी बना लेते हैं ठीक है। हमने कह दिया इफ रिपोर्टिंग वर्ब ठीक है इज इन द पास्ट टेंस, पास्ट में दिया है, एंड इन रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच models are given, they are changed into as। अब देखिए, अगर मॉडल वर्ब दिया है, मॉडल में आपका हमने बिल सेल यहां पर लगाई दिया, अगर मैं लिखा है मैं को हम माइट में चेंज कर देंगे, ध्यान दीजिए। कैन लिखा है, कैन को हम किस में चेंज कर देंगे, वुड में ठीक। अगर मैं हो गया कैन हो गया, और बाकी आपका जैसे क्या है, शुड है ठीक है, वुड है, माइट है, मस्ट है, ऑट टू है, फिर हो गया यूज्ड टू है ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया दे आर नॉट चेंज, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको आपको ध्यान में रखना, देखिए स्पेलिंग है, इसको आप लोग स्पेलिंग करेक्ट करके लिखे ठीक है। अब इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, बिल को वुड में, सेल को शुड में चेंज करेंगे। अगर हमारी अदर मॉडल वर्ब आई, अगर मैं आपका मे और माइट, मे को माइट में चेंज कर देते हैं, कैन को फुट में चेंज कर देते हैं, बाकी सबका फॉर्म एक होता है। अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जांपल आपका मान लीजिए लिखा गया, एक एग्जांपल मान लीजिए हमने दिया आपको, चलिए एग्जांपल नीचे हम दे रहे हैं आपको, इस रूल को आप लोग लिख लीजिए। जैसे लिखा हमने ही सेड टू मी ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में लिखा गया सी विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो, लिख दिया गया ठीक है। अब आपको हो गया, अब देखिए क्या करना है, आपको चेंज करना है। ये एसएल2 में है, आपका रूल पता है, पहले एसएल2 का ही चुके चल रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, यहां पर हम लिखा क्या, ही टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाया गया, किसका प्रयोग किया गया, दैट का। अब हमने यहां पर सी का प्रयोग किया, विल किस में चेंज हो गया, सेड पास्ट में है, इसको हमने वुड में चेंज किया,
सिंग वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्योंकि मॉडल के साथ। ए सॉन्ग टुमारो का द नेक्स्ट डे, इसको ध्यान रखिए टुमारो क्योंकि क्या है आपका फॉरवर्ड है मतलब नियरेस्ट वर्ड है, इसको फॉरवर्ड में चेंज करेंगे इसका द नेक्स्ट डे आएगा। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, हर एक एक रूल पर आप एक्सरसाइज करते चलिए, उसको लर्न करते चलिए, आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो इसका एक कंसाइज रूल बनाएंगे और पूरे नरेशन को एक वीडियो में समाहित कर दिया जाएगा, लेकिन पहले आप डिटेल में इसको धीरे धीरे क्या करते चलिए पढ़ते चलिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।